जो इन्वर्टर इस्तेमाल किया जाता है उसके साथ में हम किस प्रकार से MCB और RCCB का कनेक्शन करेंगे। दोस्तों देखिए, आपके घरों में जो मेन पावर सप्लाई आती है इलेक्ट्रिक पोल से, वो सीधे एनर्जी मीटर में जाता है और एनर्जी मीटर के बाद में एक MCB में जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा मेन MCB है। अब मेन MCB के आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई एक RCCB में जाता है और वहाँ से हम पावर सप्लाई को पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए, यदि आपके घर में इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो RCCB और जो MCB है वो वर्क नहीं करेगा। क्यों वर्क नहीं करेगा दोस्तों, समझ लीजिए। दोस्तों देखिएगा, यदि आपका जो मेन पावर सप्लाई है वो नॉर्मल है, यानी कि चालू है पावर सप्लाई, तो उस कंडीशन में आपका जो RCCB और MCB है वो वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई फेल होता है तो हमारा जो इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, पावर सप्लाई इस बैटरी के द्वारा लेता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा RCCB और MCB है वो बाईपास हो जाएगा। यानी कि यदि आपका जो इन्वर्टर है वो पावर सप्लाई इस बैटरी के द्वारा लेता है तो उस कंडीशन में हमारा जो प्रोटेक्शन है वो वर्क नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति नंगे तार को यानी कि लाइव वायर को टच कर लेता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपको प्रोटेक्शन देना है ओवरलोड से और अर्थ फॉल्ट से, तो उस कंडीशन में आपको RCCB और MCB का कनेक्शन भी करना पड़ेगा। किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे दोस्तों, समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर होता है उसका वायरिंग दो प्रकार से किया जाता है। पहला तो आउटपुट वायर में हम केवल एक वायर का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा दो वायर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको मैंने दो वायर का इस्तेमाल करके वायरिंग बताया हूँ और यहाँ पे एक वायर के द्वारा। दोस्तों देखिएगा, यदि आपके इन्वर्टर से एक वायर का कनेक्शन किया गया है तो उस कंडीशन में आप RCCB और MCB का कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। यदि आपके घरों में RCCB और MCB का प्रोटेक्शन देना है तो उसके लिए आपको इन्वर्टर के आउटपुट से दो वायर का कनेक्शन करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हूँ। ये जो हमारा प्लग टॉप है, इसमें जो वायर कनेक्ट है उसको रिमूव करना होता है। तो यहाँ से हमने फेस सप्लाई को रिमूव कर दिया और जो न्यूट्रल सप्लाई है उसको भी रिमूव कर दिया है। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर हमें चाहिए एक MCB और एक RCCB। ये जो हमारा MCB होगा वो हमें ओवरलोड का प्रोटेक्शन देगा और जो हमारा RCCB होगा वो हमें अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारा प्लग टॉप है इसमें से फेस वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और इसको ले जाके हमारा जो MCB है इसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा MCB है इसको हम न्यूट्रल सप्लाई भी दे देते हैं। तो यहाँ से हमने न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करके लाए और इस MCB को पावर सप्लाई दे दिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा MCB है इसके आउटपुट टर्मिनल से फेस वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इसको ले जाके हमारा जो RCCB है उसको फेस सप्लाई दे देंगे। इसी प्रकार से इस RCCB को न्यूट्रल सप्लाई भी दे देंगे। अब ये जो हमारा RCCB है इसके आउटपुट टर्मिनल से फेस वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और यहाँ पर जो हमारे स्विच हैं उनको फेस सप्लाई दे देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा सॉकेट है इसको हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो इसको न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हमारा जो RCCB है इसके आउटपुट टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इस सॉकेट को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम इन्वर्टर के साथ में RCCB और MCB का कनेक्शन करते हैं। चलिए एक बार हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा MCB और RCCB है वो कैसे वर्क करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कंडीशन ये बनता है कि यदि हमारा पावर सप्लाई हेल्दी होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो हमारा RCCB और MCB है ये भी वर्क करेगा और ये भी वर्क करेगा, यानी कि एक टाइम पे दोनों MCB और दोनों RCCB वर्क करेगा। यदि किसी प्रकार का अर्थ फॉल्ट होता है तो दोनों RCCB ट्रिप होगा और यदि किसी प्रकार का ओवरलोड होता है तो हमारा जो MCB है दोनों के दोनों ट्रिप हो जाएंगे। ठीक है, अब यदि हमारा पावर सप्लाई फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में केवल ये जो MCB है और जो ये RCCB है वो वर्क करेगा, ये दोनों RCCB और MCB वर्क नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।